भारत माता की, भारत माता की। बिना मशीनों के आप जो है ना अपने घर पे रह के और थोड़े से इन्वेस्टमेंट में बिना किसी की नौकरी किए आप अपने घर पे बना सकते हैं। अभी ये देश भर से आए, मैं इनसे बात करवाना चाहूंगा आपकी। डंडा जब लेकर आया तो घर वालों ने पूछा आप क्या मारोगे क्या इससे? मैंने नहीं, ये मशीन है, इसकी दिवाली वाले दिन लेके गया था और इसकी पूजा वूजा करके रख रखा है। अब जाएंगे यहाँ से उद्घाटन शुरू कर। देखो डंडे से और पानी से पैसा कमाना है, इससे बढ़िया कुछ है नहीं है। मेरा नाम लोभनाथ चौधरी है, मैं जनकपुर नेपाल से हूँ। यहाँ पर YouTube में देखे थे जोगिंद्र जी का, मतलब काव्याचार्य चैरिटेबल ट्रस्ट से जो मतलब ट्रेनिंग देते हैं, वही ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए यहाँ आया हूँ और ट्रेनिंग भी ले चुका हूँ। सकबर यहाँ लगभग 10 ट्रेनिंग आइटम सिखाते हैं जो मतलब घर हाउस प्रोडक्ट का है, और आज लिए खुशी लगा, ये मतलब ये विश्वसनीय है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। आप कहाँ से आए? मैं जिला बुलंदशहर गाँव खुंडार से आया हूँ जी। आप 3-4 महीने से वीडियो देख रहा था, तो वीडियो देख देखते बहुत अच्छा है, कहते हैं ना गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, तो इसलिए हम यहाँ चले आए। यहाँ देखा था, बहुत अच्छा मिला, और मैं सभी से कहना चाहूंगा विश्वास का नाम दूसरा काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने युवा साथियों से कि नौकरी एक तालाब है, व्यापार एक समुन्द्र है। जो समुन्द्र में कूदेगा समुन्द्र का मजा लेगा, नौकरी करेगा तालाब का मजा। समुन्द्र में तो वो पता नहीं क्या क्या होने मगरमच्छ भी आएंगे, कोई बात नहीं। व्यापार है ही रिस्क का नाम, व्यापार में जब आप कूदेंगे तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, पर मोती भी मिलेंगे ऐसे। बिल्कुल सच्चाई है, जीत का घर जब तक आप रिस्क नहीं लोगे जीत नहीं सकते। लड़कियों के लिए यही बोलना चाहूंगी कि जो लड़कियां नौकरी करना चाहती हैं तो वो नौकरी करें, लेकिन जिनको नौकरी नहीं करनी है वो अपना रोजगार भी यहाँ से शुरू कर सकती है। और ये एक दिन का ट्रेनिंग सेंटर बहुत अच्छा है, यहाँ पे सारी तरीके की सुविधाएं भी मिल रही है। आपका ट्रस्ट इतना बढ़िया प्रशिक्षण करा रहा है, इसके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। अब तो दोनों में अंतर आपको दिख जाएगा। लाइट करो, लाइट लाओ, करो झाँक करो। ये सरफ एक्सल का भी बाप है। सरफ एक्सल भी है। अरे वही भी रुल जाएगी उसमें। पता लग जाएगा कितनी इसमें। वही मैं कह रहा हूँ। बढ़िया है। आप लोग कह रहे नमस्कार, काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट में स्वागत है बहुत बहुत आपका, और मैं आपका साथी योगेंद्र चौधरी। अभी आप देख पा रहे हैं हर संडे की तरह इस संडे भी यहाँ पे आज पर्सनल ट्रेनिंग नहीं है, आज ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो महीने में एक बार होता है, जिसकी फीस 2000 रुपये होती है। और किस चीज का होता है वो मैं आपके लिए हर वीडियो में बताता हूँ। पानी से पैसा, जो 10 क्लीनिंग प्रोडक्ट आते हैं जैसे डिटर्जेंट पाउडर है, लिक्विड डिटर्जेंट, टीपॉल, हैंड वॉश, डिश वॉश, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, टाइल क्लीनर, सभी चीजें बिना मशीनों के आप जो है ना अपने घर पे रह के और थोड़े से इन्वेस्टमेंट में बिना किसी की नौकरी किए आप अपने घर पे बना सकते हैं। अभी ये देश भर से आए, मैं इनसे बात करवाना चाहूंगा आपकी, और किस तरीके से ये अपने अपने क्षेत्रों में जाके, अपने गांव शहर में जाके ये अपना रोजगार शुरू करेंगे, और बहुत सारे लोगों को ये अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ सबको रोजगार देंगे। तो मैं आपके लिए काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट की छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। 17-18 जिलों में हमारी बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है, जैसे बेटी की रसोई है, 5 रुपए में भरपेट भोजन, बहुत सारी एक्टिविटी है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत यात्रा, अभी जो पूरे देशभर की यात्रा अभी जो समापन हुआ है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका सर, कहाँ से आए आप? मैं नरवाना जी हरियाणा से आया हूँ जी। मेरा नाम बलबीर सिंह सिंहवाल है जी सर, और मैं चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जी ये जो प्रोडक्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट है उसकी ये बनाना चाहता हूँ। और मेरी दो रजिस्टर्ड, एक प्राइवेट लिमिटेड और एक कोऑपरेटिव लिमिटेड सोसाइटी है जी जी, और उन्हीं के थ्रू मैं ये काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात लगी मुझे। अच्छा आपकी उम्र कितनी है? मेरी 70+ है। 70+ यानी कि 70+ है। अच्छा युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे ये बताइए पहले। युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बजाय किसी गवर्नमेंट के पीछे भागने के, अपना स्वयं का रोजगार किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से या किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन से अगर करे, ईमानदारी और क्या नाम है मेहनत से करेगा तो वो खुशहाली होगा। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपना स्वरोजगार यानी कि खुद का रोजगार शुरू करें तो आने वाले समय में वो अपने परिवार को रोजगार देंगे, बहुत सारी चीजें खड़ी हो सकती हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से आए सर, क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं लोनी बंथला गाजियाबाद से आया हूँ। यूट्यूब पे मैंने चैरिटी ट्रस्ट का देखा था, तो उससे थोड़ा मेरे को लगा कि मेरे को जाना चाहिए वहाँ पे,
तो यहाँ पे जाके मेरे को लगा, मैंने ये 10-12 प्रोडक्ट देखे, अच्छे लगे मेरे को, और मैं अपने गाजियाबाद में मुजफ्फरनगर जाके इनको प्रमोट करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सनी रावत है, मैं अयोध्या जिले से आया हूँ, और मैंने YouTube राम मंदिर से, जी मैंने YouTube पे देखा तो मुझे लगा कि मेरे लिए भी कुछ रोजगार है, तो बस इसलिए। लोगों के लिए क्या कहेंगे कुछ बताओ? लोगों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर एक बार जरूर आए और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें और अपना काम। मेरा नाम शोएब खान है, मैं कानपुर से आया हूँ। जी बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ एक बार सब लोग आए और जो है शामिल हो और जो है ट्रेनिंग ले, बहुत अच्छा जो है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश नरेंद्र भटकर है, मैं अमरावती महाराष्ट्र से आया हूँ। अमरावती महाराष्ट्र दूर है भैया? बहुत दूर है। आपका नाम सुना था तो दोस्त ने बताया था मुझे जी, तो इसलिए। तो क्या लगा इतनी दूर से आए, तो भरोसा ऐसा तो कहीं गड़बड़ तो ना हो कहीं? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, भरोसे पे ही आया हूँ। तो जरूर क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र के लोगों को या क्या देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हर कोई अपने पैर के ऊपर खड़ा रहे और जैसा गवर्नमेंट जॉब न करते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कहाँ से आए सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित कुमार पांडे है, मैं राजस्थान से आया हूँ। आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी जी बेरोजगार बेरोजगार का बोलते नेता कोई भी, लेकिन आपके कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा लगा कि हमारे देश में अगर हर जिले में एक एक लड़का तैयार हो जाए तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो, यानी कि आत्मनिर्भर बनेंगे और लोगों को रोजगार भी पैदा होंगे। जी सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या, कहाँ से है? जी मेरा नाम गौतम है, मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। जी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था आपका, तो उससे मैं इन्फ्लुएंस होकर फिर मैं आया हूँ यहाँ पे। जो है कि आप 10 प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं कैसे बनाते हैं, जिससे कि हम अपना रोजगार खुद का चालू कर सके, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है और हमने सीखा आज 10 प्रोडक्ट बनाने का कैसे प्रोसेस है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम संजय जी, मैं राजगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ जी, राजस्थान से। क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। कवर की तरफ से जो मैंने वीडियो देखे थे, इस वीडियो को देख के मैं इसी चीज को कहना चाहूंगा कि जो लोग रोजगार के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं रोजगार नहीं है रोजगार नहीं है, वो अपना खुद का रोजगार करें और यहाँ आए एक बार देखें और मिले इनसे, तो पता लगे कि कितना अच्छा काम इन्होंने देश के लिए सोचा है। कि इन्होंने सोचा कि 5 लाखों को लोगों को रोजगार देना है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सपना है 5 लाख रोजगार पैदा कर रहे हैं, और वो कैसे पैदा कर रहे हैं हम लोग आप जानते हैं, हर चीज जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल अहद है। कहाँ से आए? लखनऊ से आए। जी क्या कहना चाहेंगे, आप तो बिल्कुल युवा है अब। जी जी तो यूट्यूब पे आपका देखा था चैरिटेबल ट्रस्ट वाला काव्या, तो पसंद आया था आपका, जैसा आए तो यहाँ आके भी और अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है 2000 में आपके ट्रेनिंग भी है, सारे प्रोडक्ट आप सिखाते हैं, और खाना भी इसमें ही है, पीना भी, रहना भी है, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। पीना क्या है भैया? पानी यानी जो पानी वानी पीना। क्या नाम है? मनोहन पांडे, हम जनपद बस्ती से आए हैं, और काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट की जो वीडियो यूट्यूब पे आप लॉन्च है, उसको देखने के बाद स्वतः ही स्वरोजगार की योजना जो है जागृत हुई, और हम लोग भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और स्वरोजगार की तरफ हम लोग बढ़ने की तरफ। अच्छा, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए सबसे बड़ा ये है स्वरोजगार, वो स्वतः रोजगार करके अपना कार्य करें, किसी नौकरी की तरफ या अन्य किसी तरफ जाने का वो नहीं करें, अपने मन में यही स्वरोजगार उत्पन्न करके स्वयं डेवलप करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से आए, क्या नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम राजकुमार है, मैं प्रयागराज से आया हूँ, और मैंने आपका वीडियो देखा, बहुत जो चीज मैंने वीडियो में देखा वो यहाँ पे भी पाया, और जैसा कि आप बताते हैं पानी से पैसा, वही चीज यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मशीन मशीन का कोई झंझट नहीं है, डंडा ही अपनी मशीन है, और डंडा तो मैंने पहले ही खरीद रखा है, मिल गया था मुझे, और वही शुरू करना है। और जो गवर्नमेंट आज कह रही है स्वरोजगार, वो आप भरपूर योगदान दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डंडा जब खरीद के लाए थे तो घर में क्या बात हुई? डंडा जब लेकर आया तो घर वालों ने पूछा अब क्या मारोगे क्या इससे, मैंने नहीं ये मशीन है, इसकी दिवाली वाले दिन लेके गया था और इसकी पूजा वूजा करके रख रखा है, अब जाएंगे यहाँ से उद्घाटन शुरू कर। देखो डंडे से और पानी से पैसा कमाना है, इससे बढ़िया कुछ है नहीं है। आप कहाँ से आए, क्या नाम? सर मेरा नाम शेखर सर, मैं और मैं हरियाणा पंचकूला से आया हूँ, और मैंने यूट्यूब के से मतलब काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में देखा था, और मेरे को यहाँ के बहुत मतलब बिजनेस के बारे में जो A to Z बिजनेस का और मेरे को सीखने को मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए? सर मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम विष्णु प्रसाद चंद्रा है,
सर मैं यूट्यूब देखते ना चैनल देखते सर आपके जरिए पहुंचा सर। सर मैं बहुत खुशी हुई कि मैं बहुत दिन से कोई बिजनेस ढूंढ रहा था सर, लेकिन बिजनेस नहीं मिल पा रहा था और सबसे कम दाम में बिजनेस करने के जरिए बस एक यही मिला है जो काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो बिल्कुल पानी से पैसा बनाने की एक बिजनेस है सर। अब लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट में एक बार आके देखें अपना भी, और एक बार पानी से पैसा कैसे बनता है वो आकर। नमस्कार सर, मेरा नाम विजेंद्र कुमार है, मैं पटना से आया हूँ बिहार से, और मैं यहाँ आकर के बहुत मतलब कि अच्छा लगा, सभी परिवार एक जैसा लगा, सभी का व्यवहार बहुत अच्छा हमें लगा, और हम लोग सब स्वरोजगार की ओर तरफ बढ़ रहे हैं, और हम लोग अंत में कहेंगे कि हम लोग रोजगार मांगने के लिए नहीं, रोजगार देने के लिए स्वरोजगार अपनाएं और सभी आत्मनिर्भर बने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप कहाँ से आए सर, क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद अनिस है, मैं यूट्यूब पे देखा सर ये बिजनेस है, मुझे अच्छा लगा, मैं आ गया सर बिजनेस करने के लिए। अब मैं सीखा और बिजनेस करूंगा सर, और ये लोगों को करना चाहिए बिजनेस जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मैं हरियाणा पंचकुला से हूँ, और मैंने आपका वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देखा, और फिर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आया, जो कि मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, और मैं खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आया था, तो मेरे को बहुत कुछ अच्छा लगा जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए? मेरा नाम प्रकाश सिंह रावत है, मैं ब्यावर राजस्थान से आया हूँ। सुबह 4 बजे आए थे? हाँ, सुबह 4 बजे आए थे, और ये मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा था सर। सुबह 4 बजे कौन जगता है इसका बताना एक बार। हाँ सर, वो तो आप ही उठे थे यार, आपने पहली कॉल में मैंने कॉल उठा लिया था, दूसरी घंटे में कॉल उठा लिया था, और आपने रास्ता बताया और मैं यहाँ पहुँच गया। सोने को मिला नहीं क्या? नहीं, सोने को मिला है, सोने को मिला है, और सुबह सुबह चाय भी मिल गई मुझे, 10-15 मिनट बाद में चाय भी मिल गई, और फिर मैं सो गया था यहाँ पे घंटे 2-4 घंटे हमने रेस्ट भी किया था, और फिर यहाँ पे स्नान वनान करके रेडी हुए थे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? लोगों के लिए यही कहना चाहूंगा सर, आपने बहुत ही मेहनत करके ये मकाम खड़ा किया है जो आत्मनिर्भर भारत का, जो लोगों को काफी रोजगार मिल रहा है, और काफी लोग सीख रहे हैं कि कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करें और कैसे अपना जो काम काज स्टार्ट करें, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए? मैं नंदलाल पटेल, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, यूपी से। तो आपका काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो है यूट्यूब देखा, तो मैंने सोचा कि रोजगार के लिए बहुत अच्छा संस्थान है, चले हम भी ट्रेनिंग ले गए हैं। तो आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आप इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अब इससे अच्छी सेवा और क्या कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? जी मेरा नाम अरुण कश्यप है, मैं आगरा से आया हुआ हूँ जी। जी मैंने भी आपके यूट्यूब पे वीडियो देखकर आपका रिसर्च करा काफी, और उसके बाद में आया हूँ यहाँ पर, और मेरे को आपकी काफी सारी चीजें अच्छी लगी, जैसे कि आप कम प्राइस में अच्छी बेस्ट चीज बना के देते हो, और कोई फ्रॉडबाजी नहीं है यहाँ पर, लगभग 15-20 हजार में भी ये काम। जी जी हाँ, वही अच्छी आपकी अच्छी लगी, इसी वजह से आपके पास आया था। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक सेकंड साइड हो जाइए और इनसे बात करवाएंगे। आप कहाँ से आए? जी नमस्कार, मेरा नाम लोभनाथ चौधरी है, मैं जनकपुर नेपाल से हूँ। यहाँ पर YouTube में देखे थे जोगिंद्र जी का मतलब काव्य चैरिटेबल ट्रस्ट से जो मतलब ट्रेनिंग देते हैं, वही ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए यहाँ आया हूँ, और ट्रेनिंग भी ले चुका हूँ सर। यहाँ लगभग 10 ट्रेनिंग आइटम सिखाते हैं जो मतलब घर हाउस प्रोडक्ट का है, और आज लिए खुशी लगा, ये मतलब ये विश्वसनीय है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। अच्छा, नेपाल से दूर से आते तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ जाके कोई पता नहीं क्या होगा, फंस जाएंगे? वैसे तो नहीं, क्योंकि ट्रस्ट एक विश्वसनीय मतलब ट्रस्ट ही है, इसीलिए उसमें शायद मतलब कि शंका करने की जरूरत नहीं है, ये विश्वास कर रहे हैं, और आप सभी आए और ट्रेनिंग ले और स्वरोजगार बने और दूसरों को भी दें। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा को ये कहना चाहता हूँ कि आए, मतलब दूसरों के जो नौकरी कर रहे हैं 10-15-20 हजार जो नौकरी करते हैं, उससे अच्छा है कि खुद के ही स्वरोजगार बने और दूसरों को भी रोजगार दें, ताकि देश का उन्नति हो, मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका तो हो ही गया। आप इनके साथ में कहाँ से आए? हम नेपाल जनकपुर से आए, मेरा नाम रविंद्र शाह है, और जब मैं दोस्तों के माध्यम से सुना आपके बारे में, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी लगा कि हम भी ट्रेनिंग ले, है ना, इसलिए हम दोनों आकर के ट्रेनिंग लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही मैं कहना चाहूँगा कि
ये सेल्फ डिपेंड बने और अपना खुद काम अपना करे और आगे रास्ता बनाए, एक कहना चाहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देश भर से क्या आप नेपाल से, तो बहुत सारे लोग आते हैं और नेपाल में हमारे काम चल भी रहे। मेरा नाम नरेश कुमार, हरिद्वार से। हरिद्वार से कैसा लगा और क्या? बहुत अच्छा लगा। और मैं जो हूँ काफी समय से आपकी वीडियो देख रहा था, तो मेरे को रोजगार के लिए तलाश थी, तो मुझे लगा कि ये अच्छा है, तो यहाँ आया मैं, तो ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छा लगा। कोई किसी तरह का फ्रॉड नहीं है और काफी आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक लोगों को विश्वास जमा रहे हैं, तो इस बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि जो है अच्छा सीखें, रोजगार अपना बनाएं, अपने काम में अलग ही मजा है। जी जी वो तो है जी, तो ये जो है कोई इसमें कोई शक्का वाली बात नहीं है, ट्रस्ट है, बहुत अच्छी चीज है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से आए? मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आया हूँ सर, पप्पूलाल धाकड़ मेरा नाम है, और आपका वीडियो देखा है और दूसरा को भी वीडियो देखा है मैंने काफी बार, और उसमें मेरे को और आप में ये फर्क लगा कि उसमें वो मशीनों का रेट बताते हैं 1-1.5 लाख रुपए, और आपसे मैंने फोन से भी बात की थी, आपने बताया कि भाई 25,000 से ये ऊपर लगता है, नीचे नीचे काफी हो जाता है, तो उस हिसाब से मैंने निर्णय किया। और पहली बार तो विश्वास भी नहीं कर सकते कि भाई यार वहाँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप जो ये इंटरव्यू लेते हो और लोगों को बताते हो तो विश्वास होता है कि चलो यार दूसरे लोग बता रहे हैं सुन रहे हैं, तो होता है। हाँ, उसी हिसाब से भी कि चलो एक बार देख के आते हैं, घूम के आते हैं, देखा कैसे क्या है। अच्छा, अब आपको क्या लगा जैसे आए हैं, आप भरोसा करके आए, कैसा लगा? नहीं, बिल्कुल सही है, और मैं जो भी ये आपका वीडियो देखने वाला है उनको मैं बताना चाहूंगा कि भी आप बेझिझक और विश्वास करके आ सकते हैं कि भाई ये वास्तव में है। ये लोगों का बहुत बहुत प्यार है, और देखिए बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, और आज से नहीं है, काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार 3 साल से लगातार सेवा में, और कितने लोगों को हमने रोजगार पैदा कर चुके हैं वो हमें पता, आपको पता। आप कहाँ से आए सर? मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ, मेरा नाम दिनेश कुमार धाकड़े है, और सर ने काफी प्रोडक्ट के बारे में बताया है, बहुत ही अच्छा लगा है, बिल्कुल हम खुद का रोजगार शुरू करेंगे, बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है, यूपी के गाजीपुर जिले से है, आपका 3-4 महीने से हम यूट्यूब पे फॉलो कर रहे थे, अच्छा लगा, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग लिए थे आपसे, मैं लगा कि नहीं अच्छा है चलना चाहिए, तो आकर के करना है तो करना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आप कहाँ से आए सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं सकलदेव सिंह, मैं मधुबनी बिहार से आया हूँ, और यहाँ के अच्छा लगा, अच्छा ट्रेनिंग है, और YouTube पर हमेशा देखते हैं जो बताते हैं वो वहाँ वैसा मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ जैसा बताए वैसा मिला, और इनका बहुत बहुत आभारी है कि हम लोगों को सही ट्रेनिंग और 10 आइटम बनाने की ट्रेनिंग मिला है हमारे को। जी, अच्छा लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, बिहार से हमारे पास बहुत लोग आते हैं। मैं लोगों को ये बोलूंगा कि यहाँ के अपना रोजगार का एक नींव है, अपना सीखे और अपना रोजगार करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा यादव है, मैं गोपालगंज बिहार से हूँ, मैं गल्फ में रहता था, मैं आपका वीडियो देखता था बराबर, मैं सोचा ये घर पर जाएगा तो आपके इंस्टीट्यूट में जाएगा और आपके कामों का मैं जानकारी लूंगा और काम करूंगा। संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मैं संतराज चौहान गाजियाबाद से, और काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट किसी माध्यम से जुड़ा, और यहाँ मैं देख रहा हूँ आत्मनिर्भर भारत का एक नींव रखी जा रही है काव्या ट्रस्ट के थ्रू, जहाँ से आत्मनिर्भर भारत बेरोजगार युवक आके यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके और बहुत कम बजट में अपने 10 प्रोडक्ट प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, और लोगों को जो मुख्य जरूरतें हैं घर घर में पहुंचाया जा सकता है और कम दामों में। आज तक कोई उद्योगपति अपने व्यवसाय के बारे में नहीं बताया है कि आइए हमारे व्यवसाय करिए और आप लोग अपनी बेरोजगारी मिटाइए। एक काव्या ट्रस्ट एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार देने का माध्यम दिया जा रहा है, इसके लिए मैं इस ट्रस्ट के मुख्य संस्थापक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, आगे इसका ट्रस्ट ऐसा बना रहे, ऐसे मेरी बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए, अच्छी बात बोली। और आप कहाँ से आए सर, क्या नाम है? सर मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं दिल्ली से आया हूँ, आपको काफी दिनों से फॉलो कर रहा था और एक अपना बिजनेस मैं चालू करना चाहता था, तो यहाँ पे आके मैंने सारे जो भी प्रोडक्ट है क्लीनिंग वाली मैंने काफी सीखा उसके बारे में और मैं इसके माध्यम से अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से आए और क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम वीरेंद्र प्रजापति है और मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आया हूँ, आपका जो ट्रस्ट है बहुत ही अच्छा लगा, सबसे बड़ी खास बात है कि मेक इन इंडिया है, यहाँ पर जो बाहर की कंपनियां आके पैसा कमा रही है ना, अगर हमारा ही काम यहाँ सक्सेसफुल होता है तो हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा
और बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने युवा साथियों से कि नौकरी एक तालाब है, व्यापार एक समुंदर है। जो समुंदर में कूदेगा समुंदर का मजा लेगा, नौकरी करेगा तालाब का मजा। समुंदर में तो वो पता नहीं क्या क्या होने मगरमच्छ भी आएंगे, कोई बात नहीं। व्यापार है ही रिस्क का नाम, व्यापार में जब आप कूदेंगे तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, पर मोती भी मिलेंगे ऐसे। बिल्कुल सच्चाई है, जीत का घर जब तक आप रिस्क नहीं लोगे जीत नहीं सकते। अच्छी बात बोली इन्होंने, बड़ी बात बोली जी। काव्या ट्रस्ट इतना बढ़िया प्रशिक्षण कर रहा है, इसके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। ये लोगों का प्यार है और बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप महिला है और लड़कियां, तो लड़कियों के लिए बोलो जल्दी। लड़कियों के लिए यही बोलना चाहूंगी कि जो लड़कियां नौकरी करना चाहती हैं तो वो नौकरी करें, लेकिन जिनको नौकरी नहीं करनी है वो अपना रोजगार भी यहाँ से शुरू कर सकती हैं। और ये एक दिन का ट्रेनिंग सेंटर बहुत अच्छा है, यहाँ पे सारी तरीके की सुविधाएं भी मिल रही हैं। देखिए जब लड़कियां या महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तो वो जब शादी हो जाती है तब भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, इसलिए तो आत्मनिर्भर जब होंगी तो दिक्कत ही नहीं आएगी। देखिए ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसमें आगे आए और घर बैठे ही काम है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं करना, ना ही कोई मशीन खरीदनी है, ये तो घर घर का मार्केट है, हर घर का मार्केट है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं देशभर से पधारे सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नेपाल से पधारे सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही आप काव्या चैरिटेबल ट्रस्ट को प्यार बनाए रखें, और आगे के लिए मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा अलग अलग वीडियो में। आप नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी शेयर तो आप करते रहिए, और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत, लेकिन भारत माता की जय रहेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।